बच्ची के 715 आ रहे हैं लगातार, वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रही है, मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लगा करके आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे बोलने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे, मतलब एक नंबर से अगर मेरा रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो आप सब खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे कैसे मुझे न्याय मिलेगा जा करके। नीट और लखनऊ के आयुषी पटेल का मामला बेहद चर्चा में है। आयुषी ने एनटीए पर उनकी ओएमआर शीट फाड़ कर रिजल्ट से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और आयुषी का रिजल्ट भी सही होने का दावा किया। हालांकि जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो दोनों तरफ से कागज जमा कराए गए, लेकिन आइए कोर्ट से पहले जानते हैं आयुषी क्या कुछ कहती हैं। हालांकि नीट एग्जाम में फटी हुई ओएमआर शीट पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आयुषी पटेल की तरफ से दाखिल की गई याचिका का मामला सुना गया। एप्लीकेशन नंबर को लेकर आयुषी पटेल और एनटीए की तरफ से हाईकोर्ट में दस्तावेज जमा किए गए। आयुषी पटेल की तरफ से एप्लीकेशन नंबर 24041184071 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए और फिर आयुषी पटेल की तरफ से उसकी ओएमआर शीट फटी होने का मेल और साथ ही साथ एनटीए से आए सभी मेल्स की कॉपी भी लगाई गई। इन सबके बीच लखनऊ के आयुषी पटेल ने एनटीए पर उनकी ओएमआर शीट फाड़ कर रिजल्ट से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, बकायदा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई और आयुषी का रिजल्ट भी सही होने का दावा किया, पर इसमें एक झोल सामने आया है। एनटीए ने जो रिजल्ट दिखाया है असल में आयुषी पटेल का, वो रिजल्ट गलत एप्लीकेशन नंबर पर अपलोड किया गया है। पहले कथित तौर पर एनटीए ओएमआर शीट फटी होने के चलते रिजल्ट जारी करने से मना कर रहा था। अब पता चल रहा है कि आयुषी के एडमिट कार्ड पर उनका एप्लीकेशन नंबर 24041184071 था, जिसकी ओएमआर शीट फटी होने की बात कहकर एनटीए ने रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया था। जब आयुषी का एप्लीकेशन नंबर 24041134071 डाला गया तो उसका रिजल्ट जारी हो गया, यानी कि 8 की जगह 3। गलत एप्लीकेशन पर जारी रिजल्ट पर आयुषी पटेल के 335 नंबर ही दिख रहे हैं, जबकि आयुषी का दावा है कि एनडीए की जारी आंसर शीट के हिसाब से उनके जो है 715 नंबर आते हैं। Myself आयुषी पटेल, ये मेरा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए कि अभी तक जो मेरे सपोर्ट में थे सिर्फ एक कमेंट की वजह से कि 8 की जगह 3 डाल के देखो, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है, सीसीटीवी फुटेज उनके पास है कि वो सीसीटीवी फुटेज में मैं वहां पे पेपर दे रही हूँ, मेरा ओएमआर नहीं है, मेरे ओएमआर मुझे मेरे मेल पर आया है, अब सब कुछ फेक हो गया। ओएमआर वो जाने वो कहां से लेकर आए मेरी ओएमआर, यही तो मेरा क्वेश्चन था। आप मेरे क्वेश्चन को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा ओएमआर चेक चाहिए, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। जब बाकी सारे कैंडिडेट के रिजल्ट गलत हो सकते हैं और उनकी फेक आईडी पे मेल आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते, क्या मेरा हक नहीं है? अगर मेरा रिजल्ट दूसरे नंबर से जनरेट हो रहा है तो वो एनटीए वालों की गलती है कि वो मेरे रिजल्ट को दूसरे नंबर से जनरेट कर रहे हैं और मुझे ढूंढ के दिखाई। वो लड़की जिसने मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया है कि 8 की जगह 3 डाल के देखो तो आएगा, तो उस लड़की को कैसे पता चला, जब वो कौन है? मैं जानना चाहती हूँ कि वो है कौन जिसको पता चला कि वो 8 की जगह 3 डाले। मेरा फेक एडमिट कार्ड जिस नंबर से मैंने रिसिप्ट की, जिस नंबर से मैंने एक स्टेशनरी शॉप पे मैंने उसको जाकर के रजिस्टर किया, मैं फेक हूँ? कल तक जो मेरे सपोर्ट में थे आज मेरे खिलाफ हो गए, यही आपका प्यार है आपकी बेटी की तरफ? कोई हक नहीं है, ये हक की लड़ाई है। एनटीए को अगर इतनी ही दम है तो एनटीए को जाके बोलो कि अगर सबका रिजल्ट फेक दे सकता है तो मेरा भी रिजल्ट फेक दे सकता है। जब बच्ची के 715 आ रहे हैं लगातार, वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रही है, मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लगा करके आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे बोलने के लिए, मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे, मतलब एक नंबर से अगर मेरा रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो आप सब खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे कैसे मुझे न्याय मिलेगा जा करके। हालांकि एनटीए ने आयुषी के एप्लीकेशन नंबर 24041134071 से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में दिए। इस एप्लीकेशन के साथ आयुषी पटेल की साइन की गई कॉपी कोर्ट में जमा की, साथ ही ओएमआर शीट, अटेंडेंस शीट और स्कोर कार्ड की कॉपी भी एनटीए की तरफ से कोर्ट में लगाई गई। इसके बाद भी एनटीए ने सुनवाई के दौरान आयुषी पटेल के नीट में भरे गए फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स को जमा करने और जानकारी जुटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजेश एस चौहान ने मामले में अगली तारीख 18 जून पर याचिकाकर्ता आयुषी पटेल से भी सभी ओरिजिनल दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा। तो मतलब मामला काफी आगे बढ़ चुका है। अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी टॉक।